बात ठीक है, हम आए यात्रा में, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, सड़क में तो गड्ढे हमने देखे हैं, हो जाते हैं, लेकिन गड्ढों में सड़क हमने वहां देखी है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी, सड़क कहां पर है। और ये मतलब इवन राहुल गांधी जी या और जितने भारत प्रदेशों के नेता भी आए हुए थे, सब ये कह रहे थे, यार हम तो सुनते थे हरियाणा में बहुत है सड़कों का, बहुत अच्छा इंतजाम है। मैंने कहा रख रखाव नहीं है, सड़क तो है लेकिन रख रखाव नहीं है। चलिए, तो ये परिस्थिति है। और रणजीत सिंह जी, खाली मोटर का कनेक्शन देने आप तो देते हो, लेकिन पानी के लिए तो और भी तरीके निकलेंगे, इस बात को मत आप कहो, सफाई मत दो, अब पानी नहीं है, हमने मोटर के कनेक्शन दे दिए, इस बात से पानी खत्म हो गया। सीएम साहब उन सड़कों पे चले जिन पे पैदल चलना भी मुश्किल था, और मुझे शर्म इतनी आई, हमारे साथी विधायक और मेरे हलकों में से निकलता है, मतलब पैदल चलना गाड़ियों से तो दूर बात है, पैदल चलना उसमें दूभर है। और हम इस बात को इतना कहते आए हैं, सुभाष गंगोली जी 248A पे सर आप उसका फोर लेनिंग तो बाद में करिएगा, कम से कम उसे रिपेयर करके इतना तो कर दिए मोटरेबल हो जाए। आप सर उसमें फैसला तो ले नहीं पा रहे 8 साल से कि उसको फोर लेनिंग करनी है, हर बार आश्वासन मिलते रिकॉर्ड नहीं हो रहा। जहां तक ये कह रहे हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस वक्त बिजली चली गई थी, मैं हाँ बता रहा हूँ जी, उस वक्त ये अध्यक्ष महोदय के बादस गांव में वहां बिजली का ये जाने बहुत क्रॉस लाइन है। 2010 में एक बार ट्रॉली में 7 औरतें जा रही थी, एक हादसा हो गया था, 7 की डेथ हुई थी। इस करके कभी भी कोई पब्लिक मीटिंग होती है वहां भी देखते हैं कि जब बहुत लाइन आपस में क्रॉस करती है तो वहां परमिशन नहीं देते। काफिला बहुत बड़ा था, 2-3 किलोमीटर लंबा काफिला था, लोग ट्रालियों पे थे, लोग डीजे पे बैठे थे और बड़े झंडे बैनर उठा रखे थे। तो हमने एहतियातन ये करके कि ये निकलेगा 1-1.5 घंटा, तो 5:30 से लेकर 7:20 तक हमने बिजली बंद कर दी। जब ये निकल गए क्योंकि वहां जनरेटर भी पड़े थे, उसके क्रॉस से भी लोग खंभों के बीच चढ़ रहे थे, क्योंकि जब राहुल गांधी आएगा तो सब कांग्रेस पार्टी के लोगों में इनमें एक उत्साह था। ये करके हमने 1.5 घंटे बिजली बंद करी, कभी ऐसी बिजली बंद नहीं।